चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 13 लास्ट क्लास में बताए, ठीक है, लास्ट इसका लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 13 तक बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या था? क्वेश्चन नंबर 13 में आप सीखे प्रीमियम का कैसे ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। प्रीमियम का कहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा, डेबिट में होगा या फिर क्रेडिट में होगा? तो प्रीमियम का जो एंट्री है वो कहाँ पर होगा, क्रेडिट में होगा। यदि वो अलॉटमेंट में है तो भी आपका क्रेडिट में होगा। फर्स्ट कॉल में अगर प्रीमियम शामिल है फिर भी वो क्रेडिट में ही एंट्री होगा, ठीक है। और साथ में किस एंट्री में, बैंक वाला में या फिर ड्यू वाला में? तो किस में, ड्यू वाला में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीरज थोड़ा सा फाइन नॉर्मल कर दो, ठीक है। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में नया चीज़ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, जहां पर आपको शायद देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 14 में कि प्रीमियम भी साथ में होगा, एरियर भी साथ में होगा और एडवांस भी साथ में होगा, ठीक है। चलो इधर ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 14 में है। करें अग्फा कंपनी लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ, कर दीजिए ना पूरा बंद अगर वैसा है तो, अग्फा कंपनी लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर्स, ठीक है। अग्फा जो कंपनी लिमिटेड है 15,000 शेयर का इशूड कर रहा है और एक शेयर का दाम कितना है जी, 10 रुपये दाम है, ठीक है। प्रीमियम के रुपये लिया जा रहा है 2 रुपया है। पेबल 3 रुपीज़ इंक्लूड प्रीमियम पर शेयर्स ऑन अप्लीकेशन, देख रहे प्रीमियम कहाँ पर शामिल है, अप्लीकेशन में ही प्रीमियम ले लिया जा रहा है, ठीक है। और साथ में 2 रुपया पर शेयर्स ऑन अलॉटमेंट पर है, 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल पर है और 4 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल पर है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द शेयर वेयर ऑल सब्सक्राइब, पूरा का पूरा शेयर सब्सक्राइब हो गया एंड मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 2,000 शेयर्स एंड द फाइनल कॉल मनी ऑन 2,500 शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, कि एरियर कर रहा है जी, ठीक है। और गिव द जर्नल एंट्री एंड कैश बुक एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलिए हिंदी में भी पढ़ देते हैं, देखिए, करा अग्फा कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 15,000 अंश 2 रुपया प्रति अंश पर ब्याजित पर निर्गमित किए, इन पर 3 रुपया प्रीमियम सहित आवेदन पर 3 रुपया हो गया, 2 रुपया आवंटन पर हो गया, 3 रुपया प्रथम याचना पर हो गया और 4 रुपया अंतिम याचना पर हो गया, ठीक है। साथ में आगे क्या लिखा हुआ है, सभी अंश बिक गए, क्या बोल रहा है, सभी अंश बिक गए और इनमें से 2,000 अंश प्रथम याचना और 2,500 अंशों पर अंतिम याचना की रकम नहीं मिली, बात समझें। एरियर कहाँ हो, कितने कितने शेयर होल्डर हो रहा है, 2,000 शेयर का आपको फर्स्ट कॉल में नहीं मिला, सॉरी अंतिम ना बोला, 2,000 अंशों पर नहीं, ठीक है, प्रथम याचना, इनमें से 2,000 अंशों पर प्रथम याचना और 2,500 अंशों पर अंतिम याचना की रकम नहीं मिली, इन व्यवहारों की जर्नल पृष्ठ कीजिए तथा रोकड़ पुस्तक भी बनाइए, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो रहा है, एरियर कितना शेयर होल्डर कर रहा है जी, 2,000 शेयर का, देखिए कोई नाम नहीं है कि ये जो है 2,000 का शेयर होल्डर है, समझिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहां पर ये नहीं, 2 शेयर होल्डर अलग अलग नहीं यहां नाम बता रहा है, ठीक है, यहां पर बता रहा है कि कंपनी के तरफ से ये बोला जा रहा है कि 2,000 शेयर का फर्स्ट कॉल में एरियर किया गया है टोटल और 2,500 शेयर का फाइनल कॉल में एरियर हुआ है टोटल, ठीक है। ये नहीं ऐसा हो रहा है जो पहले वाला क्वेश्चन था कि उसमें बता रहा था कि ए ने एरियर किया फर्स्ट कॉल में और बी जो एरियर कर रहा है फाइनल कॉल में और ए भी है सो फाइनल कॉल में एरियर कर रहा है, ऐसा होता था ना, पहले वाला क्वेश्चन देख रहे थे कि ए एरियर किया फर्स्ट कॉल में
और ए भी एरियर कर रहा है फाइनल कॉल में भी कर रहा है, और साथ में बी भी एरियर कर रहा है फाइनल कॉल में। तो यहाँ उस तरह नाम नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट शेयर बोल दे रहा है कि 2000 शेयर एरियर कर रहा है फर्स्ट कॉल में और 2500 शेयर फाइनल कॉल में एरियर कर रहा है, ठीक है। और बाकी प्रीमियम किस में लिया जा रहा है, तो प्रीमियम लिया जा रहा है एप्लीकेशन में लिया जा रहा है। तो देखिए पूरा क्वेश्चन लिख देते पहले, क्वेश्चन देखिए जी, इशूड शेयर कितना किया जा रहा है, इशूड शेयर जी कितना है, इशूड शेयर है 15,000 है और एक शेयर का दाम 10 इंच है, प्रीमियम 2 रुपया, चले ठीक है। एप्लीकेशन पर 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, प्रीमियम इसी में शामिल है ना, खाली यहाँ पर प्रीमियम लिख दिया जाएगा जिसमें प्रीमियम कितना है 2 रुपया प्रीमियम है। अलॉटमेंट पर क्या रुपया है, 2 रुपया ऑन अलॉटमेंट पर है, फिर 3 रुपया फर्स्ट कॉल, फिर 4 रुपया सेकेंड कॉल। अब देखिए यहाँ पर एरियर कितना कर रहा है, तो यहाँ पर कर रहा है कितना शेयर जी, 2000 का शेयर जो है वो एरियर हो रहा है, ठीक है। और फाइनल कॉल में कितना का, 2500 का शेयर एरियर हो रहा है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, ऐसे तो बना सकते हैं लेकिन फिर देखो बता रहे हैं आप लोगों को। पहला देख रहे हैं तक, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, थोड़ा सा और लॉन्ग लेकर चलते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा जी, कितना शेयर इशूट किया गया 15,000, उतना ही पूरा सब्सक्राइब हुआ है ना, तो 15,000 इंटू 3 रुपया, 15 तिया 45,000 क्या हो जाएगा, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या हुआ जी, हाँ प्रीमियम इसमें है तो किसमें होगा, डी वाला नहीं, इसमें किसमें होगा, ट्रांसफर जो करते हैं ना बैंक वाला में किए हैं क्या कभी, नहीं ना किए हैं, तो बैंक वाला में यहां पर भी नहीं होगा, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, सभी लोग बोले टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर शेयर कैपिटल का 15,000 इंटू जी 1 रुपया हो जाएगा, होगा, और 15,000 इंटू 2 रुपया, एकदम अपना से दिमाग लगाइए, ठीक है। 15,000 और 15 दूना 30,000, टोटल जोड़ के कितना होगा, 45,000 हो गया, ठीक है। नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 15,000 इंटू 2 रुपया, 15 दूना 30,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? अच्छा एरियर यहाँ पर हो रहा है ना जी, कैसे नहीं हो रहा है? अच्छा अलॉटमेंट में एरियर नहीं है तो पूरा का पूरा हो जाएगा, अलॉटमेंट में एरियर नहीं है, फर्स्ट कॉल में एरियर है और फाइनल कॉल में एरियर है। नंबर फाइव, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर भी? 15,000 इंटू एरियर किया तो बैंक में ना होगा, डी वाला में तो कुछ नहीं होगा इफेक्ट, 15 इंटू 3 रुपये यानी 15 दिया 45,000, ठीक है। नंबर सिक्स, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन, डेबिट में हो जाएगा कॉल सीन एरियर, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट अट्टू टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो जितना 45,000 ड्यू है ये पहले लिख दीजिए 45,000, है कि नहीं? सेकेंड कॉल में कितना है 45,000 वो लिख दिए, और एरियर कितना कर रहा है वो एरियर वाला यहाँ पर लिखिए, एरियर वाला जो है देखिए यहाँ पर एरियर कितना शेयर होल्डर कर रहा है 2,000 का कर रहा है, तो 2,000 इंटू के रुपया, फर्स्ट कॉल का के रुपया है 3 रुपये, तो यहाँ पर 3 रुपये, तो 3 और 2 6,000 रुपये, इसको थोड़ा सा सामने कर देते हैं डेबिट, तो 6,000 हो जाएगा यहाँ पर। अब 45,000 जो ड्यू था देख रहे हैं ना, फर्स्ट कॉल का कितना ड्यू है 45,000 है ना, तो 45,000 लिख दिए क्रेडिट पे, 45,000 में 6,000 को माइनस कर दें कितना बचेगा? 39,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बैंक में इतना रिसीव्ड होगा। अब आगे देखिए आंसर में भी आप मिला सकते हो, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन था जी? अच्छा वो आंसर तो उसका कैश बुक में आंसर डायरेक्ट उसका दिया हुआ है ना, तभी आंसर उसको मिलाकर आपको बताएंगे, ठीक है। सातवां हो गया, आठवां नंबर एंटर यहाँ से बता देते हैं, ठीक है, यहाँ से एंटर बताते हैं। एट नंबर, सॉरी सेवन, क्या बनेगा? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट कितना ड्यू हो जाएगा? 15,000 इंटू 4 रुपया, 15 चौक 60,000 हो गया। नेक्स्ट एट नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, तो ड्यू कितना है देखिए 60,000 है, तो 60,000 पहले लिख दिए, और एरियर में कितना, तो एरियर में देखिए कितना, एरियर में 2,500 है शेयर और इंटू के रुपया 4 रुपया है ना, ये कहीं पर भी आप लिख कर और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, दूसरा कहीं पर नोट करके हम यहीं पर इंटू कर दे रहे, आपका भी कॉपी में, एक चीज़ बता दे, आपका भी कॉपी में अगर जगह वहाँ सामने मिलेगा ऐसे तो मिलेगा ही, आखिर जो मार्जिन छूटा रहता है वहाँ जगह होगा जी, तो वहीं पर इंटू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इंटू आप करते जाएंगे तो अच्छा है, बेस्ट है, आपको अच्छा बनेगा भी और अगला कोई देखेगा भी। कहाँ पर ये वाला? नहीं नहीं यहाँ नहीं करोगे, यहाँ बेस्ट नहीं रहेगा, इसके जगह यहाँ पर खाली छूटेगा ना, इधर छूटते, इधर भी छूटा रहता है, इधर भी आपका शायद छूटेगा थोड़ा, ठीक है, फिर आपका जगह इधर छूटेगा, ऊपर में भी जगह छूटेगा, ऊपर में भी जगह रहता है, तो वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 यानी कितना? 10,000 हो जाएगा जी,
तो 60,000 में 10,000 माइनस कर दें कितना हो जाएगा 50,000। अब इसका आंसर कैसे पता चलेगा, जो आंसर में कितना दिया हुआ है, आंसर में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 का ना 164,000 ना, कितना आंसर है 164,000 है। तो आप क्या बनाएंगे, इसका कैशबुक बनाएंगे, क्या बनाएंगे कैशबुक। तो कैशबुक में किसका एंट्री सब जाएगा बताइए, खाली बैंक वाला का। तो बैंक वाला कितना है 45,000 पहले जी, सभी को जोड़ते हैं 45,000 एक हो गया। फिर देखिए अलॉटमेंट का कितना बैंक में है 30,000। फिर देखिए फर्स्ट कॉल का बैंक में कितना रिसीव्ड हुआ 39,000। जब आप कैशबुक बनाएंगे तो ही सब ना अमाउंट जाएगा, जब आप बैंक का बनाइएगा तब बैंक वाला डेबिट में जाएगा किसके नाम से, फर्स्ट कॉल के नाम से। और कितना अमाउंट लिखना है 45,000 नहीं, बैंक का बना रहे तो कितना 39,000 जो लेजर बनाते हैं। फिर देखिए सेकेंड कॉल बनाएगा तो सेकेंड कॉल बैंक कितना है, ये बनाएंगे डेबिट साइड में जाएगा किसके नाम से, सेकेंड कॉल के नाम से। अमाउंट कितना 50,000, यही चार अमाउंट रहेगा ना। अब जोड़िए इसको 9 और 5 14 का 4 हाथ में 1, 5 और 1 6 और 3 9 और 3 12 और 4 16 164,000 है, तो आंसर ये आपका जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था जी, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 14 हो गया। एक क्वेश्चन जो 15 है इसमें भी लगता है एरियर होगा, फिर इसको क्या करते हैं क्वेश्चन हम इसको लिखा देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको पिक कर लीजिए। ठीक है, इसको मोबाइल में पिक करिए, इसका सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अगर उस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम क्वेश्चन लिखा देंगे, बना लीजिएगा, और अगर कुछ अलग रहेगा तो बता भी देंगे, लेकिन मोबाइल में आप इसको रिकॉर्ड करिए। हो गया, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, देखो क्वेश्चन, हर्षा लिमिटेड इशूड 6,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज पर शेयर। सबको दिमाग में चलना चाहिए प्रीमियम कितना है, ये सारा दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, प्रीमियम कितना है याद रखो, प्रीमियम कितना है सब चीज़ याद हो जाना चाहिए, जब बोलेंगे तो तुरंत बताना है। 6,000 शेयर इशूट किया गया, एक शेयर का दाम 10 रुपया है और प्रीमियम के रुपया मांगा जा रहा है एक्स्ट्रा 3 रुपया। अब देखना कहां कहां पर पैसा मांग रहा है, कह रहा है इंस्टॉलमेंट वे आर फिक्स आइज अंडर 3 रुपीज ऑन अप्लीकेशन इंक्लूड 1 रुपया प्रीमियम। देख रहे जी प्रीमियम के रुपया है टोटल मांगना 3 रुपया, वो क्या कर रहा है बटन एक ही बार नहीं दे रहा है, वो क्या दे रहा है धीरे धीरे बटन दे रहा है। 1 रुपया मांगा कब, अप्लीकेशन के समय, 1 रुपया मांगा है अप्लीकेशन के समय और 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। अच्छा 1 रुपया फिर यहाँ मांग लिया, कहाँ पे अलॉटमेंट के समय मांग लिया, और 7 रुपीज ऑन कॉल यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही मांगी है ना, वहाँ फर्स्ट और सेकेंड नहीं लिखा, कॉल खाली लिख दिया, तो कॉल मतलब क्या है फर्स्ट और सेकेंड एक ही मांग गया जो कि 7 रुपया, और 1 रुपया प्रीमियम वहाँ ले लिया होगा, वहाँ प्रीमियम नहीं लिखा लेकिन 2 ही रुपये ने प्रीमियम वसूल किया, और जबकि टोटल प्रीमियम कितना है 3 रुपया। अच्छा यहाँ पर भी लिख दिया कि 1 रुपया प्रीमियम यहाँ पर भी, अगर नहीं भी लिखता तब भी हमको पता है कि 2 ही रुपये ने प्रीमियम वसूल किया है, 3 रुपया जबकि प्रीमियम है लेकिन वसूल कितना किया है वो 2 रुपया किया, तो 1 रुपया और प्रीमियम लेगा, तो कहाँ पर वो लेगा लास्ट कॉल में लेगा। आगे देखिए कर ऑल द अमाउंट वी आर ड्यूली रिसीव्ड प्रिपेयर द कैश अकाउंट इन कंपनीज बुक्स, ये आपको बनाना है, यानी कैश अकाउंट मतलब वही हो गया कैश बुक आपको बनाना है जो लेजर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग रिकॉर्ड कर लिए मोबाइल में। ठीक है, इसको बना लेना है, चलिए इसको भी हम बता देते हैं। ठीक है, ऐसे तो इसको बना सकते हैं लेकिन चलिए प्रीमियम सब में शामिल है ना जी, तो सभी में प्रीमियम शामिल है तो सभी में प्रीमियम एंट्री हो जाएगा, खाली जैसे यहाँ पर प्रीमियम का एंट्री किया वैसे सभी में भी हो जाएगा, अप्लीकेशन में भी हो जाएगा, अलॉटमेंट में भी हो जाएगा, फर्स्ट कॉल में भी हो जाएगा और फाइनल कॉल में भी हो जाएगा। अब इसको बना सकते हैं, ऐसा नहीं बनाएंगे।
चलिए बताइए तो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा था, इशूट कितना किया गया शेयर, एक शेयर का दाम प्रीमियम 3 रुपीज प्रीमियम हो गया, एप्लीकेशन और इसमें प्रीमियम ना, प्रीमियम ठीक है आगे, डायरेक्ट यहाँ पर कॉल लिख देते हैं, कॉल मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 1 रुपये यहाँ पर भी प्रीमियम हो गया ठीक है। और एप्लीकेशन वेयर रिसीड वही हो गया, यानी अगर कुछ आगे नहीं बोला तो कंपनी जितना शेयर इशूट किया है उतना ही एप्लीकेशन हुआ, यानी उतना ही कंपनी के तरफ से सब्सक्राइब कर लिया गया, तो इतना ही लेकर हम लोग को क्या करना है, बनाना है। वैसे कभी दे सकता है कि 5000 ही एप्लीकेशन किया गया, सब्सक्राइब 5000 किया गया, तो इसका मतलब 5000 से लेकर बनाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं, जितना इशूट किया उतना ही पब्लिक के तरफ से सब्सक्राइब है, कुछ नहीं बोला गया मतलब उतना बिक गया उतना शेयर। तो बताइए पहला एंट्री नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट कितना सो होगा 6000 इंटू के रुपया 3 रुपया, कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18000 रुपया। नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है कितना हो जाएगा जी 6000 × 2 रुपया और 6000 × 1 रुपया, 6 × 12000 और 6000 कितना हो जाएगा 18000 हो जाएगा। नंबर 3 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है कितना होगा 6000 × 2 रुपया और 6000 × 1 रुपया, 6 × 12000 और 6000 यानी 18000, ठीक है। नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा 18000 का पूरा रिसीप्ट हो जाएगा, कोई एरियर नहीं है जी और ना ही एडवांस है, ठीक है। नंबर 5 शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर जी, यहाँ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल एक ही में है ना, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं कॉल, कॉल मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ठीक है कहीं पर कॉल लिख रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। अब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अलग अलग रुपया मांगेगा, तो यहाँ पर बोलता है ना कि फर्स्ट कॉल का इतना रुपया लिए हैं सेकंड कॉल का इतना लिए, अलग अलग बोलेगा ना, लेकिन यहाँ पर सब एक ही में है, इसका मतलब क्या है कॉल का मतलब दो कॉल, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल दोनों एक ही में है, ठीक है तो कितना हो जाएगा 7 रुपया है ना, अच्छा प्रीमियम प्रीमियम का भी होगा ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बताइए कितना होगा 6000 × 6 रुपया हो जाएगा और 6000 × 1 रुपया हो जाएगा, 6 × 36000 और
6000 कितना होगा टोटल जोड़ने पर 42000। लास्ट एंट्री क्या होगा छठा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट कितना रिसीव्ट हो जाएगा 42000 रिसीव्ट हो जाएगा, जितना ड्यू उतना ही रिसीव्ट होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को क्वेश्चन नंबर कितना था ये जी, क्वेश्चन नंबर ये 15 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग का टॉपिक आएगा 8 पार 8 प्रीमियम, ये दोनों टॉपिक आगे मिलाकर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे क्या उस पर चेंजेस आएगा। ठीक है, चलिए।